श्री बाबा केदारनाथ के धाम में। महाद्रि पार्श्वे चतटे रमंतम संपूज्यमानं सततम मुनीन्द्रै सुरासुरैरक्ष महोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेक मीडे। बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचकर भगवान के स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, आराधना करने के लिए पहुंचे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, अहर्निश प्रतिबद्ध हैं, पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। असाधारण, अद्भुत और अलौकिक धाम है, अकल्पनीय रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर्विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहां पर जल प्रलय सरी की स्थिति आई थी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का, यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के मनीषियों का, और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेद मंत्र की पंक्तियों से और साथ ही साथ वेदोच्चारण से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। हमारे साथ केदारनाथ धाम के वेद पाठक पंडित मृत्युंजय हरिओम जी हैं। यहाँ पर किस रूप में रुद्राभिषेक होता है आप बताएं, और साथ ही साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर पहुंच गए हैं और श्रद्धावनत है, विनयावनत है आदि योगी के दरबार में। गले ते शोभन्ते भुजगपति माला सुरुचिरा ललाटे भूतिमां मति विमल रेखा द्युतियुता जटा मध्ये गंगा